आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री में यूनिट 4 में दो इम्पोर्टेंट एंड महा इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जिसमें हमारा पहला टॉपिक है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण। मतलब समाकलित दर समीकरण मतलब वेग वाला समीकरण है ना, समाकलित दर समीकरण या वेग समीकरण की स्थापना। और दूसरा हमारा रहेगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण या वेग समीकरण की स्थापना, है ना। मतलब मेरे भाई इसका इतना है कि आपको शून्य और प्रथम के जो कोटि की अभिक्रिया है उनके लिए आपको समाकलन करने के पश्चात, जो समाकलन होता है उस समाकलन करने के पश्चात जो आपका के का व्यंजक निकलता है वो के का व्यंजक आपको निकालना है। सेम शून्य के लिए करना है और सेम आपको किसके लिए करना है, प्रथम के लिए करना है। दोनों के लिए आपको जो के है इस के का व्यंजक निकालना है, ठीक है। तो मेरे भाई ये अपन स्टार्ट करते हैं, बहुत मस्त तरीके से एक एक चीज को स्पष्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण की स्थापना। ओके, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए यदि हमें समाकलित दर समीकरण की स्थापना करना है, ठीक है, किसके लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए हमें समाकलित दर समीकरण की स्थापना करना है, तो इसके लिए पहले आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया को स्टार्ट करना पड़ेगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया को चालू करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप एक लाइन लिखोगे और वो लाइन आपकी ये होगी, ठीक है, वो लाइन आपकी होगी, ये होगी, माना माना शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, अभिक्रिया, ठीक है, निम्न है, ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया निम्न है, क्योंकि हमें शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण की स्थापना करना है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया को आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लिया हमने निम्न है और ये हमने मान लिया ये आपकी एक कोई शून्य कोटि की अभिक्रिया है, ये कोई अभिकारक है और यहाँ पर एक कोई बन रहा है प्रोडक्ट, क्या बन रहा है, कोई प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, ये अभिकारक और ये बन गया आपका प्रोडक्ट, ये मान लिया हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया है। अब मेरे भाई ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो इसके सांद्रण में परिवर्तन नहीं हो रहा होगा, क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया में सांद्रण में परिवर्तन नहीं होता, एक भी अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसमें द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लगाओगे, ठीक है। तो द्रव्य अनुपाती क्रिया क्रिया नियम से, ठीक है, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से, जैसे ही आप इसमें द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लगाओगे तो मेरे भाई क्या होता है, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम क्या होता है, डीएक्स अपॉन डीटी, है ना। यहाँ पर आपका जो एक्स है वो यहाँ पर सांद्रता है, सांद्रता देखो अभिकारक आपका ए है, आप सांद्रता ए भी ले सकते हो, बट हमने यहाँ पर एक्स ली, एक्स से भी हो जाएगा, ठीक है। तो हमने दर नियम लगा दिया, तो dx अपॉन dt बराबर क्या होता है, k, है ना, और यहां पर क्या होता है, जो अभिकारक होता है उसकी सांद्रता, तो अभिकारक आपका क्या है, a, और इस a को यदि वर्गाकार ब्रैकेट में रख देते हैं तो सांद्रता, ठीक है। ये आपका द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, शून्य कोटि की अभिक्रिया है इसलिए इसकी घात क्या आ जाएगी, शून्य आ जाएगी, क्योंकि इसके सांद्रण में परिवर्तन होगा नहीं, समझ में आपको आया, ठीक है, चलो, है ना। आगे मेरे भाई आपको पता है किसी की भी पावर आपकी जीरो हो उसकी वैल्यू होती है वन, है ना, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू वन रखेंगे तो हमारा ये हो जाएगा dx अपॉन dt बराबर k इंटू वन, है ना, वन का कोई मतलब नहीं रहता। अब आप क्या करोगे, जो dt है इसको आप इधर ले जाओगे, ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा dx बराबर k और ये आपका हो जाएगा dt। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, देखो आपका क्वेश्चन क्या है, समाकलित दर समीकरण, मतलब समाकलन करने के बाद जो आपका समीकरण निकलेगा वो ज्ञात करना है, तो मतलब आपको क्या करना होगा, इसका समाकलन करना होगा, ठीक है। तो यहां पर आप लिख देंगे समाकलन, ठीक है, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, ठीक है। अब यदि हम इसका समाकलन कर देंगे मेरे भाई तो देखो क्या हो जाएगा, समाकलन के लिए आप क्या कर दोगे, समाकलन का चिन्ह लगा दोगे, जैसे dx करना है तो ये dx में आप समाकलन का चिन्ह लगा दोगे, यही होता है ना समाकलन का चिन्ह, ये वाला, ठीक है, आता ही होगा आपको, ठीक है, बराबर, है ना। अब आप इसका करोगे तो ये k और ये आपका dt, क्लियर हुआ, चलो आगे बढ़ जाओ मेरे भाई। आपको पता है आगे, आपको एक स्टेप आपको पता है कि यदि हम आपको पता है dx का समाकलन करते हैं तो आपका समाकलन क्या आता है, x होता है,
dx का समाकलन क्या होता है, x होता है, ठीक है। अब यदि x की जगह पे यदि t होता तो यहाँ पर समाकलन क्या हो जाता, t, है ना। ds होता तो s होता, dy होता तो y हो जाता, ठीक है। तो इस प्रकार से समाकलन होता है, तो dx का समाकलन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है, dt है, तो dt का समाकलन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, ठीक है। वैसे ये आपका k जो है, k एक नियतांक है, नियतांक का समाकलन होता नहीं, तो ये तो बाहर निकल जाएगा, तो dx का क्या हो जाएगा, x, k वहां निकल जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, dt, है ना। तो ये x, ये आपका k, dt का क्या होगा, t, तो ये आपका t। और एक बात और याद रखना मेरे भाई, जो जब समाकलन पूरा कंप्लीट हो जाता है तो समाकलन के बाद एक नियतांक लगाया जाता है, जो होता है आपका c, और c कहलाता है आपका समाकलन नियतांक, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ गया समीकरण नंबर 1, है ना, ये समीकरण नंबर 1 आ चुका है। अब मेरे भाई, आप जो समीकरण 1 आया है, इसको आपको करना क्या है, इसको आपको प्रारंभिक समय के लिए लागू करना है। प्रारंभिक समय मतलब जब अभिक्रिया चालू नहीं हुई होगी, जब अभिक्रिया को स्टार्ट नहीं किया होगा, तब के लिए लागू करना है, ठीक है। चलो समझे, तो जैसे मान के चलो मेरे भाई, मैं आप चाय बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, चाय, है ना। अब चाय बना रहा हूँ तो मैंने दूध डाल दिया, अदरक डाल दिया, पानी डाल दिया, शक्कर डाल दी, पत्ती डाल दी, सब डाल दिया, और इसको मैंने गैस पे रख दिया। अब गैस को मैंने चालू नहीं किया, अब गैस को मैंने चालू नहीं किया तो क्या चाय बनेगी, बोलो, क्या चाय बनेगी, नहीं बनेगी ना मेरे भाई, क्योंकि गैस चालू करेंगे जब तो चाय बनेगी, गैस चालू नहीं किया तो चाय नहीं बनेगी। तो इसी प्रकार मैंने ये जो आपकी अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को मैं प्रारंभिक समय के लिए लागू कर रहा हूँ, जब ये अभिक्रिया चालू नहीं हुई होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर ये लिख रहा हूँ, यदि टी बराबर जीरो, टी बराबर जीरो मतलब जब हमने अभिक्रिया चालू नहीं की तब की बात कर रहे हैं ना, जब यदि टी बराबर जीरो हुआ है ना, जब अभिक्रिया चालू नहीं हुई तो टी बराबर जीरो था, तो आपका जो सांद्रण है, सांद्रण में भी परिवर्तन नहीं हुआ होगा, क्योंकि जब अभिक्रिया चालू ही नहीं हुई तो सांद्रण में परिवर्तन नहीं हुआ होगा, सांद्रण में परिवर्तन भी क्या होगा, जीरो होगा, समझ रहे हो क्या, नहीं है ना। तो यहाँ पर ये अभिक्रिया टी बराबर जीरो पर एक्स बराबर क्या होगा, जीरो होगा, है ना, क्योंकि x हमने क्या माना है, सांद्र, ठीक है। तो t और जो आपका x है, दोनों के मान उठा कर रख दो समीकरण 1 में, तो लिख देंगे समीकरण 1 से, है ना, दोनों के मान रख दो, x की जगह आपको क्या क्या रखना है, जीरो, ठीक है। ये आपका k, t की जगह भी आपको क्या रखना है, जीरो प्लस सी, तो ये जीरो आपका, ये भी जीरो, है ना, प्लस सी, मतलब यदि आप देखें तो टोटल आपका जो सी है, सी बराबर आपका क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा, सी बराबर जीरो, सी का मान उठा के रख दो समीकरण 1 में, तो लिख दो आप सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। सी का मान कहाँ रख दो आप, समीकरण 1 में। तो यदि हम, जब हम सी का मान समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है, तो समीकरण आपका ये क्या है, इधर रख दूं मैं, हाँ यहाँ समझा दे रहा हूँ, ठीक है, इसके बाद में यहाँ, है ना। तो सी का मान समीकरण 1 में रख दो, ये समीकरण 1 है, रख दो, तो ये एक्स सेम रहा, ये के, ये आपका टी, और सी की जगह आपको क्या रखना है, सी का मान क्या है, जीरो, तो ये रख दिया हमने जीरो, तो एक्स बराबर क्या जाएगा आपका, के टी, है ना, या फिर आपका जो के टी है, इसको इस तरफ के टी बराबर क्या जाएगा, एक्स। अब के का मान निकालेंगे तो टी कहाँ जाएगा, बटे में, तो एक्स अपॉन टी, है ना। तो ये मेरे भाई आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण, मतलब के का मान आ गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ये किसके लिए है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण का मान, के बराबर एक्स अपॉन टी। अब मेरे भाई थोड़ी सी मैं और यहां पर अगर बढ़ा दूं मैं इसको, यहां पर यदि मैं लिख दूं, यदि सांद्रता, देखो आपको पता है एक्स क्या है, सांद्रता है, ठीक है। अब यदि मैं सांद्रता जो एक्स है उसको ए मान लूं, सांद्रता जो एक्स है उसको मैं क्या मान लूं, ए मान लूं, तो एक्स की जगह पे क्या रख दूंगा, ए, तो एक्स की जगह पे ए रखूंगा, तो के बराबर क्या हो जाएगा, ए अपॉन टी, के बराबर क्या हो जाएगा, ए अपॉन टी, जो आपका ऐसा आपको बुक में मिल जाएगा, है ना, ए मतलब जो बुक में दिया है वो ए के रूप में दिया है, तो फाइनली आपका के बराबर ए अपॉन टी जो है वो आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण है ना। अब यदि आपसे कोई बोले शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण क्या है, तो आप आंसर देना के बराबर ए अपॉन टी, दिस इज फाइनल, ओके। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा दोस्तों, एक एक चीज, है ना, हर एक चीज आपको कंप्लीट हो गई होगी, समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो मेरे भाई आप दिल से ना वीडियो को लाइक करो, है ना, जल्दी जल्दी लाइक कर दो, मुझे यहां तक आवाज आनी चाहिए, ऐसे आपका लाइक आना चाहिए, ओके मेरे भाई।
दोस्तों इसी प्रकार से हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण की स्थापना करते हैं, ठीक है। जस्ट बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा ही अंतर है। प्रथम कोटि के लिए अभिक्रिया जो समाकलित दर समीकरण है उसकी स्थापना करेंगे, उसमें भी जस्ट हम के की वैल्यू ही निकालेंगे इसी प्रकार से समाकलन करते हुए, ठीक है। तो आइए फिर अपन इसको देखते हैं, समझते हैं अच्छे से एक एक चीज, ठीक है। तो यह अब हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर करना क्या होगा, आपको यहाँ पर जैसे आपने लिखा माना शून्य कोटि की अभिक्रिया निम्न है ना। अब प्रथम के लिए कर रहा है तो आप प्रथम कोटि की अभिक्रिया लिखोगे, है ना। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, माना प्रथम कोटि की अभिक्रिया निम्न है। अब आप ये मान के चलोगे कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, और प्रथम कोटि की अभिक्रिया अगर है तो इसके सांद्रण में परिवर्तन हो रहा होगा। बिल्कुल निश्चित बात है कि इसके सांद्रण में परिवर्तन हो रहा होगा, ठीक है। ये आपका जो अभिकारक है इसके सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। अब इसमें आप दर नियम लगाओगे तो दर नियम क्या होता है, dx अपॉन dt। लेकिन मेरे भाई आप इतना समझ लेना कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, सांद्रण में परिवर्तन होगा, और सांद्रण में परिवर्तन होगा निश्चित तौर पे, लेकिन सांद्रण में यहाँ पर परिवर्तन होगा और सांद्रण में यहाँ पर कमी होगी। क्या होगी, कमी होगी। और हमें पता है अभिक्रिया की दर हम दो प्रकार से निकाल सकते हैं, कमी के आधार पर और एक वृद्धि के आधार पर। यदि हम अभिक्रिया की दर को कमी के आधार पर निकालते हैं तो वो निकलती है -dx/dt, और वृद्धि के आधार पर निकालते हैं तो वो निकलती है +dx/dt। तो इसमें सांद्रण में कमी होगी और कमी के आधार पर निकालेंगे तो -dx/dt होगी। और यहाँ पर आपका अभिकारक ए है, तो अभिकारक ए और इसकी सांद्रता आपको दिख रही है क्या है, ए है। तो आप सांद्रता यहाँ पर ए लेकर चलोगे, ठीक है। तो कमी के आधार पर करेंगे तो ये -dA/dt। अब यहाँ पर सांद्रता एक्स नहीं ली हमने, क्या लिया, ए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ए, ठीक है। बराबर आपका के है ना, और यहाँ पर सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है और अभिकारक ए है, तो इसकी घात क्या आ जाएगी, एक आ जाएगी। समझ में आपको आया, ठीक है। चलो अब आपको करना क्या है मेरे भाई, जो आपको जो ए दिख रहा है ए को आप डी टी की जगह पे ले जाओ, डी टी को यहाँ ले जाओ, ठीक है। तो ये हो जाएगा -dA/A बराबर के, और ये आपका डी टी, कोई दिक्कत। इसके बाद आप लिखो, समाकलन कर दो, है ना। तो लिख देना आप समाकलन करने पर, ठीक है। समाकलन करेंगे तो यहाँ पर हम समाकलन का चिन्ह लगा देंगे, जो माइनस से आपका यहाँ लगा है इसको आप बाहर लिख दो समाकलन चिन्ह के, ठीक है। ये dA/A है ना, और k समाकलन यहाँ भी करना है, तो ये आपका k और ये आपका dt, ठीक है। अब आगे आपको चीजों को ध्यान रखना है कि मेरे भाई जो समाकलन होता है, ठीक है, 1/x dx जो होता है इसका समाकलन क्या होता है, आपका होता है log x, क्या होता है, log x, ठीक है। और इसी प्रकार से आपका ये लिखा है 1/A dA है ना। अब यदि इसका समाकलन करोगे आप, ठीक है, यदि आप इसका समाकलन करोगे तो ये आपका समाकलन हो जाएगा log e/a है ना, और dt का आपको पता ही है क्या होता है, t होता है, ठीक है। यहाँ देख रहा है क्या बहुत अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसका समाकलन करोगे तो ये माइनस सेम रहेगा, 1/A dA का क्या होता है, log a, तो ये आपका हो जाएगा log e/a, ठीक है, बराबर, ठीक है। k तो आपका वहां निकल जाएगा और ये आपका dt, ठीक है। तो ये log e/a बराबर k dt का समाकलन क्या हो जाएगा, dt का आपको पता ही है ना। यदि dt का समाकलन करेंगे तो आपका हो जाएगा t, तो ये आपका हो जाएगा k सेम रहा, ये dt का हो गया t। समाकलन करने के बाद एक नियतांक जो आपका आता है c, ये आपका होगा समीकरण नंबर एक। क्लियर हुआ इधर तक, समीकरण नंबर एक हमारा फिनिश हो चुका है। इसके बाद आपको करना क्या है मेरे भाई, जो समीकरण एक है इसको वही प्रारंभिक समय के लिए लागू करना, जैसे अभी शून्य कोटि के लिए प्रारंभिक समय में लागू किया था वैसे ही इसको भी आप प्रारंभिक समय के लिए लागू करोगे, ठीक है। जब हम इसको प्रारंभिक समय के लिए लागू करेंगे है ना, तो टी बराबर क्या होना चाहिए, जीरो, है ना, टी बराबर जीरो। तो यहाँ पर हमने सांद्रता क्या मानी है, ए, है ना। तो सांद्रता, अब यदि समय प्रारंभ है, मतलब यदि हमने अभी क्रिया चालू नहीं की, टी बराबर जीरो है, तो आपका जो ए है इस बराबर भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, क्योंकि सांद्रण में परिवर्तन हुआ ही नहीं होगा। जब अभी क्रिया चालू नहीं की तो सांद्रण में परिवर्तन कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ए बराबर भी क्या होना चाहिए, जीरो। बट आप ए बराबर जीरो की जगह आप रखोगे यहाँ पर ए जीरो, ये ए जीरो का मतलब आप मान के चलना कि ये जीरो ही है, ठीक है। दोनों मानों को उठा के रख दो यहाँ पर, तो लिख देना समीकरण एक से, ठीक है।
समीकरण एक से उठा के रख देंगे, तो ये आपका माइनस लॉग ई बेस, ए की जगह आपको क्या रखना है ए जीरो, तो ये आपका ए जीरो हो गया, बराबर के, है ना, सेम रहा। टी की जगह आपको जीरो रखना है प्लस सी, ठीक है, तो यहाँ से आपका ये पूरा जीरो, और तो यहाँ से आपका जो सी है सी बराबर क्या हो जाएगा माइनस लॉग ई बेस ए जीरो, है ना, यहाँ से यही तो निकला है ए जीरो, सी बराबर यही तो आएगा, ठीक है, तो सी का मान जो आया है उसको उठा कर रखो समीकरण नंबर एक में, है ना, तो लिख देंगे सी का मान समीकरण एक में रखने पर, रख दो, ये आपका समीकरण एक है, माइनस लॉग ई बेस ए, है ना, बराबर के, और ये आपका टी, है ना, सी की जगह आप ये रख दो, ठीक है, माइनस लॉग ई बेस ए जीरो, कोई दिक्कत है ना मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको करना क्या, यहाँ दिख रहा है क्या नीचे, आपको क्या करना क्या है मेरे भाई, जो लॉग ई बेस ए जीरो है इसको आप इस तरफ ले जाओ, है ना, जैसे ही हम इसको इस तरफ लेके जाएंगे, है ना, जैसे ही हम इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस का है तो काय का हो जाएगा प्लस का, है ना, तो ये हो जाएगा आपका लॉग ई बेस ए जीरो, है ना, और ये इस तरफ है, ये माइनस का था प्लस का हुआ, ये इस तरफ है तो लॉग ई बेस ए बराबर क्या आपका आ गया के टी आ गया, क्या आ गया आपका के टी। अब यहाँ पर दिख रहा है क्या, चलो, है ना, अब मेरे भाई आपको एक फॉर्मूला आपने 9th से पढ़ते आ रहे होंगे, यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगा दे रहा हूँ, आपका यदि लिखा होता है लॉग ई बेस एम डॉट एन, सॉरी 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 मेरे भाई, एम अपॉन एन, एम बटे एन, मतलब इस टाइप से अगर कोई लिखा होता है तो उसको हम क्या लिखते थे, लॉग एम माइनस लॉग एन, है ना, ऐसा हम ये ई बेस में है ऐसा हम लिखते थे, ये इसका फॉर्मूला होता है, अगर कोई चीज माइनस में लिखी है तो उसको हम बटे में लिख देते हैं, कोई चीज अगर स्टाइल से माइनस में लिखी है तो उसे बटे में लिख देते हैं, तो देखो यहाँ पर भी तो ये चीज माइनस में लिखी है, ए जीरो और ए माइनस में लिखा है, देखो यहाँ पर एम और एन लॉग ई बेस एम और माइनस लॉग ई बेस एन माइनस में लिखा था तो इसको बटे में लिख दिया था, लॉग को एक बार लिख के एम अपॉन एन, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो यहाँ पर यदि हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर कर रहे हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा हमारा लॉग ई बेस, आगे क्या है ए जीरो, तो ये आपका हो जाएगा ए जीरो बटे ए, बराबर आपका क्या चल रहा है के टी, बराबर आपका क्या चल रहा है के टी, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर या करके हम के टी बराबर लॉग ई बेस ए जीरो अपॉन ए भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना मेरे भाई, आगे बढ़ो, आपका मेरे भाई जो लॉग ई बेस है इसको आप 10 में बदलो लॉग, क्योंकि केमिस्ट्री में हमेशा लॉग 10 में चलता है, ठीक है, तो मेरे भाई क्या होगा लॉग ई बेस जो देख रहा है इसको 10 में बदलेंगे तो लॉग ई बेस की जगह रखना होता है 2.303 लॉग 10, ये रखना होता है, मतलब जहाँ लॉग ई बेस है उसकी जगह आप 2.303 लॉग 10 रख दो, तो यहाँ पर है तो रख देंगे, तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा तब के टी बराबर क्या हो जाएगा, इसकी जगह हमें रखना है तो ये हो जाएगा 2.303 लॉग 10, है ना, और ये आपका आ गया ए जीरो अपॉन ए, समझ गए ना। अब हमें तो किसका मान निकालना है, क्योंकि हमें समाकलित दर समीकरण ज्ञात करना है, मतलब हमें के का मान निकालना है इसमें, ठीक है, तो टी आपका कहाँ जाएगा बटे में, तो के बराबर क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन टी कहाँ जाएगा बटे में, ठीक है, लॉग 10 ए जीरो अपॉन ए, तो ये मेरे भाई हमारा फाइनल व्यंजक जो है समाकलित दर समीकरण का आ गया है। इसमें आपको एक स्टेप और करना है, एक स्टेप ये है कि आपका मेरे भाई जो ए जीरो है ये आपका प्रारंभिक सांद्रण है, टी बराबर जीरो पे रखा था ना, तो ए जीरो आपका कौन सा सांद्रण है, प्रारंभिक सांद्रण है, और ए आपका है अंतिम सांद्रण, तो आपको ये करना है, यदि आप ए जीरो, यदि ए जीरो बराबर आप क्या मान लो ए मान लो स्मॉल ए, है ना, और तथा आपका जो ए है इसकी जगह आप मान लो ए माइनस एक्स, मतलब ए जीरो की जगह यदि आप ए रख दो और ए की जगह आप ए माइनस एक्स रख दो, तो ये दोनों वैल्यू उठा के आप यहाँ यहाँ पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2.303, है ना, अपॉन टी लॉग 10, है ना, ए की जगह आप ए जीरो की जगह ए और ए की जगह ए माइनस एक्स, तो ये हमारा फाइनली ये आपका जो व्यंजक आ गया है जो आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए
समाकलित दर समीकरण है। आई होप कि आपको समझ में आया गया होगा मेरे भाई, मैंने एक एक चीज को स्पष्ट किया है ना। तो मेरे भाई दिल से आप वीडियो को लाइक कर दो, जल्दी से अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो, और अगली वीडियो मेरे भाई हम पूरा अर्धायु काल पढ़ने वाले हैं। जो अर्धायु काल नाम का टॉपिक है, ये पूरा अगली वीडियो में आपका फिनिश हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा हम स्पीड में चलने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।